أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فلما جاء آل لوط المرسلون قال إنكم قوم منكرون قالوا بل جئناك بما كانوا فيه يمترون وأتيناك بالحق وإنا لصادقون فأسر بأهلك بقطع من الليل واتبع أدبارهم ولا يلتفت منكم أحد وامضوا حيث تؤمرون وقضينا إليه ذلك الأمر أن دابر هؤلاء مقطوع مصبحين صدق الله مولانا العظيم الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا شفيع المذنبين وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا رحمة للعالمين फिर जब फरिश्ते लूत के घर गए लूत ने कहा बेशक तुम नाआशना लोग हो। फरिश्तों ने कहा बेशक हम आपके पास उस अजाब को लेकर आए हैं जिसमें ये लोग शक करते हैं और हम आपके पास बरहक अजाब लेकर आए हैं और बेशक हम ज़रूर सच्चे हैं। सो आप कुछ रात गुजरने के बाद अपने घर वालों को लेकर रवाना हों और आप उन सब के पीछे चलें और आप में से कोई शख्स पीछे मुड़कर ना देखे और आप सब वहाँ जाएं जहाँ का आपको हुक्म दिया गया है। और हमने लूत को इस फैसला से मुत्तले किया कि जिस वक्त ये लोग सुबह कर रहे होंगे तो उनकी जड़ काट दी जाएगी। सदाकल्लाहु मौलानल अज़ीम। अंबिया किराम के तफसीली हालात सूरतुल आराफ में एक बार हम समात कर चुके हैं और पढ़ चुके हैं। इस बार जबकि सूरह हिजर के अंदर मुख्तलिफ अंबिया के हवाला जात कुरान हकीम इरशाद फरमा रहा है, इख्तिसार के साथ कुरान हकीम की आयात तय्यबात के तर्जुमा और चंद बातों पर इक्तफा करते हुए अपने सबक का इख्तिताम करना चाहेंगे। गुज़श्ता नशिस्त में आपने समात किया कि हज़रत लूत अलैहिस्सलाम की कौम जो कि एक मखसूस किस्म की बुराई और गुनाह में मुलव्वस थी, मर्द अपनी शहवत को मर्दों के साथ बुझाते थे, तो उनको अजाब देने के लिए अल्लाह ने फरिश्ते नाजिल फरमाए। लेकिन उन फरिश्तों को एक और मकसद भी दिया गया था। जाते जाते हज़रत इब्राहिम खलीलुल्लाह की बारगाह से होकर जाना और उन्हें बताना कि आप उम्र के जिस हिस्से में अब पहुँच चुके हैं अल्लाह ने फैसला किया है कि आपको साहिब औलाद कर दिया जाए। तो फरिश्ते हज़रत इब्राहिम अलैहिस्सलाम के पास आए, अल्लाह का पैगाम दिया कि अल्लाह ताला आपको बेटा अता फरमाना चाहता है। हज़रत इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने फरिश्तों को इंसानी भेस में जो अपने पास देखा तो उनकी कुछ कंडीशंस ऐसी थीं जिनको देख कर आप दिल में डरे कि जो लोग इस तरह आने वाले होते हैं ये कोई खैर का पैगाम लेकर नहीं आते हैं। तो उधर एक बार बातचीत हो गई इब्राहिम अलैहिस्सलाम के पास बातचीत हो गई। इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने पूछा बताओ तुम जा कहाँ रहे हो, जो असल बात है वो बताओ। फरिश्तों ने कहा हम तो कौम लूत पर आज़ाब लेकर जाना चाहते हैं। वो महफिल ख़त्म हो गई, फरिश्ते अपना सफ़र लेकर आगे बढ़ गए और जब हज़रत लूत पैगम्बर के पास फरिश्ते पहुँचे तो हज़रत लूत अलैहिस्सलाम ने उनको देखा तो देखकर इनकार किया और फरमाया इन्नकुम कौमुम मुनकरून, तुम मुनकर लोग हो। मुनकर उन्हें कहा जाता है जिन्हें देखकर तो इनकार किया जाए, नहीं भाई नहीं, नहीं भाई नहीं, ऐसा नहीं होना चाहिए था। तो लूत अलैहिस्सलाम ने उन्हें देखा तो इनकार किया, ऐसा नहीं होना चाहिए था। ये क्या चीज़ थी जिसका इनकार किया जा रहा है? मैंने पहले आपको एक जुमले में इशारा किया, लूत अलैहिस्सलाम की कौम
लड़कों के साथ बदफेली के बुरे अमल और घनौने करतूत में मुलव्वस थी। अपने इलाके का नौजवान लड़का होता तो उसके साथ वो बुराई न करती, लेकिन अगर कोई बाहर से खूबसूरत नौजवान उनके उनकी बस्ती में दाखिल हो जाता तो गुनाह की लज्जत उन्हें कशा कशा वहाँ ले आती। तो चूँकि फरिश्ते नौजवान ताज़ा ताज़ा जवान लड़कों की खूबसूरत शक्ल में हज़रत लूत के घर गए थे, तो आपने मेहमानों को आते देखा तो दिल में फौरन यह खटका पैदा हुआ, अगर इन बदमाशों को मालूम हो गया, मेरी कौम के बदमाशों का इल्म हो गया कि लड़के आए हैं, हैं भी खूबसूरत, हैं भी गोरे चिट्टे, हैं भी जवान और हैं भी बाहर से आए हुए, तो ये तो सारे भागे भागे आएंगे और मेरा ये मेहमानों के साथ बुरा सलूक करना चाहेंगे। तो इस हालत को देखकर लूत अलैहिस्सलाम ने कहा, नहीं भाई, तुम्हें इस तरह नहीं आना चाहिए था, ये तो हालात ख़राब हो सकते हैं, ये तो बदमाशों को अगर मालूम हो गया तो वो तो भागे भागे आएंगे और मेरे पल्ले क्या बचेगा, मेरे मेहमानों के साथ जब ये बुरा सलूक किया जाएगा तो ये तो अच्छी खासी अच्छी बात नहीं है। तो ये जुमला था जिस पर आपने फरमाया, इन्नकुम कौमुन मुनकरून, तुम ऐसे लोग हो, ऐसी शक्लो सूरत में आए हो कि जिस पर इनकार करने को दिल करता है कि ऐसे तुम्हें नहीं आना चाहिए था। फरिश्ते भी ये बात भांप गए कि हज़रत लूत परेशान हैं अपनी कौम के इस गलत रवैये पर, तो फौरन कहने लगे, बल जिना कबीमा कानू फीही अमतरून, पैगंबर आपने इनको कई बार समझाया है ना कि यह बुरा काम ना करो वगरना अल्लाह का अजाब आएगा, तो ये मान नहीं रहे, आज हम अल्लाह का अजाब लेकर आए हैं, यानी हम इंसान नहीं हैं, हम इंसान नहीं हैं, नौजवान नहीं हैं, हम तो फरिश्ते हैं और अल्लाह का अजाब लेकर आए हैं। मतलब ये था कि आज ये मारे जाएंगे और ये हम पर काबू नहीं पा सकेंगे, हम तो फरिश्ते लोग हैं। फरमाया कि बिमा कानू फीही यमतरून, जिसमें ये लोग शक करते थे आज हम वो चीज़ लेकर आ गए हैं। व अतैना का बिलहक, और जो अजाब आया है वो अजाब बरहक है, जब कोई गुनाह कौमों की दुनिया में दाखिल हो जाता है। भाई देखो, गुनाह फ़र्द में दाखिल हो जाए तो वो फ़र्द सज़ा का मुस्तहिक हो जाता है, दूसरे फ़र्द में दाखिल हो जाए तो फिर वो फ़र्द सज़ा का मुस्तहिक हो जाता है, और जब कोई गुनाह कौमों के रगो पै में दाखिल हो जाए, जब कोई गुनाह कौमी गुनाह बन जाए तो फिर याद रखना कि वो पूरी की पूरी कौम अल्लाह के अजाब के मुस्तहिक हो जाया करती है। अब मैं आपको क्या बताऊँ, हमारी कौम की हालात आपसे ना आशना तो नहीं है। एक साहिब ने रमज़ानुल मुबारक के अंदर एक अजीब सा सवाल कर दिया, कहने लगे, जी आप अहले सुन्नत कहते हो कि रब्बे कायनात ने कुरान हकीम में कहा है कि मा कानल्लाहु लियुअद्दिबहुम व अंता फीहिम, महबूब पाक जब तक आप इन लोगों में हैं तो हम इन पर अजाब नाजिल नहीं करेंगे। तो रसूलुल्लाह अलैहिस्सलाम तो हैं हम में, हैं अपना, उनका जिस्म अक्दस मदीना शरीफ में महफूज है, तो रसूलुल्लाह जब हैं तो उनके होते हुए ये अजाब पर अजाब, अजाब पर अजाब, अजाब पर अजाब, कभी तैयारा गिर जाए, कभी धमाके हो जाए, कभी सैलाब आए तो आधा मुल्क बर्बाद हो जाए, तो ये क्या है, कुरान गलत कहता है या कुछ और मामला है। तो उसने अजीब सा सवाल कर दिया, तो उस मौका पर कुरान हकीम ने ये रास एक और मौका पर खोला है। मैंने वो आयत खोली, खोल करके पढ़ करके उस भाई को मैंने सुनाई। रब्बे कायनात ने इरशाद फरमाया, वलनुज़ीक़न्नहुम मिनल अज़ाबिल अदना دون العذاب الاكبر لعلهم يرجعون صدق الله مولانا العظيم। भाई पहली कौमों पर जो अजाब आया करता था उसकी नौयत यह थी कि पूरी की पूरी कौम का यूं सत्यानाश हो जाता कि कोई बंदा बचता ही ना, मिलियामेट हो जाती वो कौम, सफाई हस्ती से मिटा दी जाती वो कौम। तो रब्बे कायनात ने इरशाद फरमाया कि हम नुज़ीक़न्नहुम मिनल अज़ाबिल अदना, ए लोगो, हम तुम्हें छोटे छोटे अजाब देंगे, यानी वो अजाब नहीं देंगे कि मुसलमान मिलिया मेट हो जाएं, इनका नामो निशान बाकी ना रहे, तो इनको छोटे छोटे अजाब आएंगे। दूनल अज़ाबिल अकबर, बड़ा अजाब नहीं आएगा कि इनका नाम लेने वाला भी कोई बाकी ना रहे। ए मौला, छोटे अजाब क्यों आएंगे? रब्बे कायनात ने फरमाया, लअल्लहुम यरजिऊन, ताकि ये लोग बाज आ जाएं। जब गुनाह कौमी गुनाह बन जाता है तो फिर याद रहे कि अल्लाह की तरफ से अजाब भी आ जाया करता है। अब फैसला करने का हक मुझे नहीं है कि मैं ये कहूँ कि पाकिस्तान पर अजाब आया। हम तो ये पढ़ सकते हैं मज़हब की दुनिया में, कभी ऐसा होता है अल्लाह की तरफ से आजमाइश आती है,
जो गुनाहों का कफारा बन जाती है। कभी ऐसा होता है कि जब पूरी की पूरी कौम गुनाहगारी की दलदल में धंसती चली जाए तो फिर अल्लाह का आज़ाब आया करता है। ये क्या आया, मैं नहीं जानता क्या आया, क्या अल्लाह के यहाँ ये आजमाइश थी, क्या ये अल्लाह के यहाँ आज़ाब था, अल्लाह जाने और उसके बंदे जाने। हमें तो मज़हब ने दो बातें बताई, या तो ये कफ़ारा बन जाता है गुनाहों के लिए अगर आजमाइश हो, या फिर ये अल्लाह का आज़ाब हुआ करता है। तो उस साहब को मैंने इतना कहा, मेरे भाई कि रसूलुल्लाह के होने से फ़ायदा ये है कि ऐसा आज़ाब नहीं आएगा जो कि पूरी की पूरी मुसलमान उम्मत को मिलियामेट करके तो रख दे। इरशादे गिरामी हुआ व आतैना का बिलहक, जब पूरी कौम गुनाहगार हो जाती है तो फिर अज़ाब का आना बरहक हो जाता है। व इन्ना लसादिकून, हम सच बोल रहे हैं, हम बिल्कुल ठीक कह रहे हैं कि जो अजाब आ रहा है यह बरहक आ रहा है और यह कौम इसके मुस्तहिक हो चुकी है। यकीन जान लीजिए, एक बुराई थी उस कौम में जिसका कुरान ने हवाला दिया, लड़कों के साथ गलत काम करना, सिर्फ इस बुराई पर आज़ाब बरहक हो चुका। अब इस तनाजुर में जरा देखिए हमारे आवाम में क्या चल रहा है। क्या एक जुर्म हो तो मैं बताऊं, एक जुर्म हो तो मैं बताऊं। वो फारसी का जुमला मुझे याद पड़ता है, पंबा कुजा कुजा ने हम, मैं रुई कहाँ कहाँ लगाऊं, पूरे जिस्म पर जख्म बन चुके हैं। कोई एक आध जख्म हो तो बंदा वहां रुई लगाता है, तो पंबा कुजा कुजा ने हम, कहाँ कहाँ हम रुई लगाएं ताकि वो जख्म छुप जाए। तो इस वक्त हमारी पूरी कौम जख्मी है, मज़हब के नाम पर जख्म, गुनाहों के नाम पर जख्म, राहबुरी के नाम पर जख्म और ना जाने किस किस नाम पर जख्म है। ऐसे में रमज़ान उल मुबारक की पाकीज़ा साहतें अल्लाह के हुजूर हाथ उठाकर दुआ करते हैं कि रब्बे कायनात करम नवाजी फरमा, इस भटके हुए आहू को फिर मंजिल मुराद अता फरमा दे। और हम जिस डगर पर चल पड़े हैं यकीनन वो अजाब इलाही की तरफ बढ़ने वाली है। करम नवाजी फरमा, कोई तो ऐसा पाकीज़ा शख्स हमें अता फरमा दे जो पूरी कौम की लुगाम पकड़कर उसे सूए मदीना ले चले। सल्लल्लाहु अला हबीबिही मुहम्मद व अला आलिही व असहाबिही अजमाइन। अच्छा, तो अब प्लानिंग जो अल्लाह की तरफ से प्लानिंग थी वो दी जा रही है लूत अलैहिस्सलाम को। फअसरी बिअहली का, पैगंबर आप ऐसा कीजिएगा कुछ रात का हिस्सा जब गुजर जाए तो फिर अपनी अपनों को इकट्ठा कीजिएगा और अब चल पड़िएगा। व तबी अदबारहुम, कौम को आगे लगाइएगा, खुद उनके पीछे पीछे चलिएगा। माना यह था कि गोया के उन्हें अपनी आगोश रहमत में लेकर आगे बढ़िएगा। आज ये ना हो कि आप आगे आगे निकल जाएं, कौम पीछे पीछे भटकती रह जाए। ऐसे में जो ताने लगते हैं, आप जानते हैं कि हजरत ने खुद को तो बचा लिया और हमें पीछे छोड़ गए। रब्बे का इनात ने कहा इनको अपनी आगोश रहमत में लेकर तो आगे बढ़िएगा। वला यल्तफित मिनकुम अहद, पीछे मुड़कर कोई ना देखे। यह जुमला अगर रमज़ानुल मुबारक ना होता तो मैं इस पर खुल कर कुछ मजीद मजहब के हवाला जात भी अर्ज करता। पीछे मुड़कर कोई ना देखे। एक हवाला आपके सामने ये है, ये देखो रसूल पाक अलैहिस्सलाम एक बस्ती के पास से गुजरे जहां अल्लाह का अजाब आया था। हुजूर रहमत आलम ने फरमाया जल्दी जल्दी निकलो यहां से। ये क्या चीज है, जहां अल्लाह का अजाब आया जल्दी जल्दी निकलो और जहां अभी अजाब आना चाहता है फरिश्ते कहते हैं मुड़कर ना देखना। उधर हमारा मजहब ये समझाए कि कब्र जब बंद कर दी जाए तो फिर खोलो मत। ये सारे राज कुछ हैं जिनको एक जुमले में नहीं कहा जा सकता। कोशिश की जा सकती है कि भाई ये जो अल्लाह के सरबस्ता राज हैं उन राजों तक आगाही तुम लोग हासिल नहीं कर सकते हो, इसीलिए तुम में ताप नहीं है कि अल्लाह के अजाब को बरसता हुआ तुम देखो। तुम में ताप नहीं है तो बस इन्हें आगे बढ़ने देना, समझा देना इन्हें कि मुड़ कर ना देखें। इसी बुनियाद पर तो हमारे मजहब में ये है कि ये कब्र खोलना, अब कल कोई खबर चल रही थी कि वो सियालकोट के दो भाइयों की कब्रें खोलने का हुक्म जारी किया गया, तो मेरी आलिया कहने लगी ये क्या जायज़ है मजहब में। मैंने कहा जायज़ तो नहीं है बेगम, मैं क्या करूँगा, कोई हमारे मजहब की बात सुने तो फिर है ना, जायज़ नहीं है, ना जाने अंदर क्या है, क्या अंदर अल्लाह का नूर बरस रहा है फिर तो सुभान अल्लाह है, या फिर अंदर अल्लाह का अजाब बरस रहा है। अगर वो तुम्हारी नजरों के सामने आ गया तो तुम्हें होश अपने भूल जाएंगे। इसलिए तो अल्लाह ने वो कब्र का अजाब ये लोगों की निगाहों से पोशीदा रखा। हुजूर रहमत आलम ने यह जुमला इरशाद फरमाया कि जब कब्र वाले को दुर्रे पड़ते हैं, जब उसे कोड़े अजाब के पड़ते हैं तो इंसानों और जिन्नों के सिवा सारे सुन रहे होते हैं, उसकी चीखों पुकार सब सुन रहे होते हैं। और फरमाया कि अगर इन्हें पता चल जाए, इन्हें अपनी रोटियां भूल जाएं, इन्हें अपने खाने भूल जाएं, इन्हें अपनी जिंदगियां भूल जाएं, तो फिर तो ये इनकी अकल जिंदा रहने के बावजूद फनाइयत के दायरों में तहलील हो जाए। तो ये एक जुमला है जिसे मैंने चंद अल्फाज में कहना चाहा, पीछे मुड़कर कोई ना देखे। वम्दू हैसुतु मरून, जहां का आपको कहा गया है आप वहां जा पहुंचिए। वकदैना
إِلَيْهِ ذَلِكَ الْأَمْرَ, تو پھر ہم نے یہ بات بھی بتا دی کہ ان لوگوں پر عذاب کب آئے گا. بس یہ ان کی آخری رات ہے, صبح جب پو پھوٹ رہا ہوگا, سورج چمکنے کے قریب ہوگا, اس موقع پر ان کی جڑ کاٹ دی جائے گی اور یہ تہو بالا ہو جائیں گے. اب ادھر گھر میں یہ باتیں ہو رہی ہیں, لوط علیہ السلام کی بیوی ہے جسے قرآن حکیم نے مجرم کہا, تو وہ بیوی ہونے کے باوجود اس نے راتوں رات خبر اڑا دی, قوم کے اوباشوں تک یہ بات پہنچا دی, نوجوان آگے ہیں گھر میں, خوبصورت ہیں, بڑے پیارے ہیں, دیکھو تو دل لبھایا جا سکتا ہے, آنا چاہو تو آ جاؤ. وہ راتوں رات خبر پہنچ گئی. جب خبر پہنچی تو جب صبح کا سویرا ہوا, وجاء اہل المدینۃ یستبشرون, وہ شہر والے اکٹھے ہو گئے, لوط وہ مہمان کدھر ہیں, انہیں سامنے کرو ذرا, ہمیں دکھاؤ نا, ہم انہیں دیکھنا چاہتے ہیں, ہم ان سے ملنا چاہتے ہیں, مطلب یہ تھا کہ ہم گناہ کرنا چاہتے ہیں. قال ان هؤلاء ضيفي فلا تفضحون, کہنے لگے پیغمبر دیکھو بھائی یہ میرے مہمان ہیں تو خدا را ان کے ساتھ ایسا کام نہ کرو, جانتے تھے کہ یہ قوم کس ارادے سے آئی ہے, ان کے ساتھ ایسا کام نہ کرو, مجھے کیوں شرمندہ کرتے ہو, اپنے مہمانوں کے سامنے کیوں شرمندہ کرتے ہو, واتقوا اللہ, ڈرو اللہ سے, ولا تخزون, اور ان کے سامنے مجھے بے آبرو نہ کرو. قالوا اولم ننهك عن العالمين, کہنے لگے ہم نے کہا نہیں تھا کہ بیگانے مہمان گھر میں نہ ٹھہرایا کرو, کہا نہیں تھا ہم نے, الٹا تڑیاں دینے لگ گئے, ہم نے سمجھایا نہیں تھا کہ اس طرح کے نوجوان ہوں تو انہیں گھر میں نہ آنے دیا کرو, آپ نے کون سی ہماری مانی ہے کہ آج ہم تمہاری مان جائیں. قال هؤلاء بناتي ان كنتم فاعلين, پیغمبر کہنے لگے دیکھو یہ قوم کی بیٹیاں یہ تمہارے لیے ہی تو اللہ نے بنائی ہیں, بھائی تم ان سے شادیاں کر لو اور اپنا مقصد پورا کر لو, تم آخر کیوں میرے مہمانوں کے پیچھے پڑ گئے ہو. اللہ اکبر, میں نے آپ سے کہا تھا کہ قرآن حکیم کی یہ شان ہے, اس کا ترہ امتیاز ہے, مدین کی بات چل رہی ہو, اصحاب ایکہ کی بات چل رہی ہو, قوم لوط کی بات چل رہی ہو, قوم موسیٰ کی بات چل رہی ہو, قوم نوح کی بات چل رہی ہو, جون سا عنوان بھی چھڑا ہوا ہو, درمیان میں مدینے والے رسول کی بات لازمی آئے گی, وہ کہیں نہ کہیں درمیان میں ذکر آتا ہے. اب دیکھو بات ان کی چل رہی تھی, پہلے بھی ان کی بات, اور یہ ایک لائن کے فوراً بعد پھر ان کی بات, درمیان میں رب کائنات نے کہا محبوب تیری عمر کی قسم, تیری زندگی کی قسم, یہ کیسے مدہوش ہوئے پڑے ہیں. رسول اللہ علیہ السلام کو درمیان میں ایک جملہ کہہ دیا گیا, لعمروک, آپ کی زندگی کی قسم, انہم لفی سکراتہم یعمہون, گناہوں کے نشے نے انہیں مدہوش کیا ہوا ہے. چونکہ رمضان میں درس مختصر ہے, وغیرہ یہ جملہ بہت ساری دلچسپیوں کا حامل ہے. رسول اللہ کی عمر مبارک کی قسم, یہ زبردست دلچسپیوں کا حامل جملہ ہے. انشاءاللہ العزیز اسے میں کسی اور موقع کے حوالے کرنا چاہوں گا. میں ارادہ رکھتا ہوں کہ آج میں کچھ سبق سمیٹ لوں تاکہ اگلی نشست جو کہ ختم قرآن کی نشست ہوگی اس میں میں سورہ ہجر کا اختتام کر دوں, اور پھر رمضان المبارک کے بعد وہ جمعے کے خطبوں میں بھی ایک نئی سورت کا آغاز ہو جائے گا. ہو سکتا ہے کہ سبحان الذی اسرا کا آغاز کر لیا جائے, اور جمعرات کی نشستوں میں بھی ایک نئی سورت کا آغاز ہو جائے گا. اس لیے ابھی کئی موقع ہیں ہمارے پاس, یہ عنوانات پھر سے آئیں گے اور وہاں انہیں موضوع سخن بنا لیا جائے گا. الغرض درمیان میں ایک جملہ کہا, لعمروک انہم لفی سکراتہم یعمہون, آپ کی زندگی کی قسم وہ اپنی مستی میں مدہوش ہو رہے ہیں. یہ جملہ کہہ کر فوراً پھر مولا کائنات نے فرمایا, لوط علیہ السلام تو پھر چلے گئے, رات کو اپنی قوم کو لے کر چلے گئے, رات گزر گئی, جب صبح کا سویرا ہوا, فأخذتهم الصيحة مشرقين, جب سورج شرق مشرق طلوع ہو رہا تھا تو اس وقت ایک چیخ بلند ہوئی, اور وہ چیخ بڑھتے بڑھتے اس قدر زیادہ ہو گئی, کانوں کے پردے پھٹنے لگ گئے, دماغوں کے بھیجے ہولنے لگ گئے. جیسے کہ آپ بڑی چیخ کی بات کیا کرتے ہو, آپ کا منہ ادھر ہو, کوئی آپ کا دوست یار پیچھے سے آ کر آپ کو ٹھا کر دے تو میں کہتا ہوں آپ تو ادھر ہی دہل سے جاتے ہو, یہ کیا ہو گیا ہمارے ساتھ, یہ چھوٹی سی ٹھا تو آپ برداشت نہیں کر سکتے, اور فرشتہ کوئی پھر چیخ نکالے اور چیخ بھی اتنی زور آور ہو کہ جو دلوں کو پھاٹ دینے والی ہو. تو فرمایا کہ ایک عذاب ان پر یہ آ گیا, ایک چیخ تھی, زبردست چیخ نے انہیں پکڑ لیا. فجعلنا عالیہا سافلہا, تو ہم نے اس بستی کو اٹھایا, اٹھا کر پلٹا دیا, نیچے والا حصہ اوپر, اوپر والا حصہ نیچے, نیچے والا حصہ اوپر, اوپر والا حصہ نیچے. وامطرنا علیہم حجارتا من سجیل, اور تیسرا عذاب ان پر یہ آیا, ان پر پتھر برسائے گئے, اور ہر پتھر پر نام لکھا ہوتا تھا کہ یہ پتھر فلاں شخص پر پڑنا ہے, تو وہ عذاب سے بھرا ہوا پتھر اس شخص پر آ پڑتا. کم از کم اتنا تو جان لیجئے کہ لڑکوں کے ساتھ بد فعلی کرنا یہ اتنا گھناؤنا جرم ہے کہ اس کی سزا میں پوری قوم کو اگر ستیاناش کر
दिया जाए तो कुरान हमारे सामने बोल रहा है, और कौम को पलटा दिया जाए तो कुरान हमारे सामने बोल रहा है, पत्थरों से बरसात कर दी जाए तो तब भी कुरान हमारे सामने बोल रहा है। इसीलिए ये जना की सज़ा मुकर्रर हुई कि गैर शादीशुदा शख्स है तो 100 कोड़े मार दिए जाएं, शादीशुदा है तो रजम कर दिया जाए। लेकिन इस अमल की सज़ा में हमारे मज़हब ने कोई हद मुतय्यन ना फरमाई कि इतनी को फेंटी लगनी चाहिए, इतनी को मार पड़नी चाहिए। इसको ताज़ीर के उनवान से ताबीर किया गया। ताज़ीर का माना यह है, सहाबा के यहाँ एक फतवा ये भी था कि ऐसे शख्स को दीवार के नीचे बिठा कर धक्का दे दो, बच गया सो किस्मत, मर गया सो किस्मत। दूसरा फतवा ये भी था, पहाड़ की चोटी पर ले जाओ तो गिरा दो, बच गया सो किस्मत, मर गया सो किस्मत। तो अलगरज मुख्तलिफ किस्म के फतावजात सिहाबा के माबैन भी गर्दश किया करते थे। वो अमतरना अलैहिम हिजारतम मिन सिज्जील इन फी ज़ालिका लआयातिल लिल मुतवस्सिमीन, बेशक इसमें फरासत वालों के लिए निशानियां हैं, या फिर मुस्तकिल खूबसूरत प्यारा और मीठा उनवान है। इसमें अहलुल्लाह के उस जिंदगी के हिस्से की तरफ इशारा किया गया कि जो रसूल पाक अलैहिस्सलाम फरमाया करते थे, इत्तकु बिफरासतिल मुमिन फइन कि मोमिन बंदे की फरासत से डरा करो, ये अल्लाह के नूर से देख लेता है, तुम ना भी बोलो तो तुम्हारे दिलों की कहानियां ये पढ़ लेता है। तो फरमाया कि ये जो सारा प्रोसेस हुआ इसमें अहले फरासत के लिए निशानियां हैं। व इन्नह लबिसबील मुकीम, कुरान हकीम ने यह जुमला बड़ा खूबसूरत इरशाद फरमाया, आज के तनाजुर में भी इस जुमले से रहनुमाई हासिल की जा सकती है। फरमाया कि ये इन बस्तियों को जो हमने पलटा दिया था, इन पर जो अजाब आ गया था, तो यह बस्ती कोई मक्का से बहुत दूर नहीं है। इराक जाते हुए इन्हें देखा जा सकता है, शाम जाते हुए इन्हें देखा जा सकता है। तो महबूब इन्हें बताइए कि जब बस्तियां कोई बहुत दूर नहीं है, सबील ये सरे राह वाकया हैं, तो मक्का वालों को बताइए कि वो कल तक ना माने तो उनका हाल ये हुआ, तुम आते हुए भी देख सकते हो, जाते हुए भी देख सकते हो। तो अगर तुमने नबियों के सरदार की ना मानी तो फिर अपना ठिकाना तुम खुद सोच लो कि तुम्हारे साथ क्या होगा। इन नफी ज़ालिका लआयतल लिलमुमिनीन, बेशक इसमें ईमान वालों के लिए निशानी। वह इनका ना असहाबुल ऐका तिला ज़ालिमीन, और बेशक असहाब ऐका यानी शुआब अलैहिस्सलाम की कौम भी जुल्म करने वाली थी, कम तोला करती थी, वो कम मापा करती थी, कम तोला करती थी। लेना होता किसी से तोल कर तो वट्टे उनके बाट बड़े होते, और जब देना होता तो फिर उनके बाट छोटे हो जाते। लेते वक्त गोया कि 1.25 किलो का वो किलो बना कर लेते, और जब देना होता तो वो 1.25 किलो को किलो कह करके तो देते, वो डबल डबल जुर्म किया करते थे। फरमाया फंतकमना मिनहुम, हमने उनसे इंतकाम ले लिया, हमने फिर उनसे इंतकाम ले लिया। व इन्नहुमा लबइमाम मुबीन, और ये भी तो तुम्हारे सामने ही है, ये बस्ती भी तो तुम्हारे सामने ही है, ये दोनों बस्तियां तुम्हारी निगाहों के सामने हैं, आते और जाते हुए इनका मुशाहदा किया जा सकता है। और अल्लाह के अजाब बरसने के खौफ से कुछ ईमान की तरफ रहनुमाई हासिल करने की कोशिश की जा सकती है। इंशाल्लाह मुझे उम्मीद है कि ख़त्म कुरान किस दिन हो रहा है, बुध वाले दिन ख़त्म कुरान की महफिल है। तो उसमें वैसे तो मैं उस दिन गुफ्तगू ना भी करूँ तो कोई हर्ज नहीं है, यह कागज़ मेरे सामने पहुँचा, वो हर 4 तरावी के बाद या एंड पर, ये जो कारी साहब करेंगे तर्जुमा, और क्या हर 4 तरावी के बाद आपको सुनना पड़ेगा उसका तर्जुमा थोड़ा सा, या उसका शान नज़ूल या मुख्तसर तफसीर। तो समझो कि 5 तकरीरों तो यही हो जाएंगे। हर 4 तरावी के बाद अगर आप वो पाव भर का या आधे पाव भर का या 2 रुकुओं का तर्जुमा या शान नज़ूल सुनो तो 5 तकरीरें तो यही हो जाएंगी। उस दिन अगरचे मेरी तकरीर की ज़रूरत नहीं भी है, लेकिन मैं इस लालच में कि चलें ये सूरत हमारी ख़त्म हो जाए तो मैं कोशिश करूँगा। और अगर महसूस किया, मैंने अभी मज़ामीन का मुताला नहीं किया है, अगर मैंने महसूस किया है कि उनवान ज़रा कुछ ठहरने के लायक हैं तो फिर हो सकता है कि ख़ात्मा इस सूरत का ना हो सके। अगले जुमेरात को दरस कुरान नहीं होगा, उसकी वजह आप जानते हैं कि हो सकता है कि सुबह फिर ईद हो, तो ईद छोड़कर आप लोगों तो नहीं सकोगे, मुश्किल है। इसलिए फिर यह भी हो सकता है कि रोज़ा हो जाए, और यह भी हो सकता है कि अगले दिन फिर ईद हो जाए। इंशाल्लाह रमज़ान के बाद फिर ताज़ा दम होकर अपने साथियों को तैयार करें और इस्लाम के मुजाहिद बने। जो आपके दोस्त कुछ आगे पीछे फरार हो गए हैं, कुछ ढीले हो गए हैं, कुछ सुस्त हो गए हैं, उन सबको इकट्ठा करें और ये कुरान हकीम की तालीम और फ़हम के रास्ते पर इकट्ठे होकर अपने सफ़र का मंजिल की तरफ बढ़ने का एहतमाम करें।